तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए जरूरी है। तो इनहेरिटेंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस वीडियो सीरीज में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस बेसिकली इसके अंदर पहला पॉइंट कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज दैट ऑफ इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि इनहेरिटेंस अलाउ अस टू डिफाइन अ क्लास इन टर्म ऑफ अनदर क्लास। यानी जो इनहेरिटेंस होता है वो अलाउ करता है डिफाइन करने के लिए एक क्लास के टर्म को किसी अनदर क्लास से, जो क्या करता है, विच मेक्स इट इजियर टू क्रिएट एंड मेंटेन एन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन को काफी बेहतरीन तरीके से इजी और क्रिएट करने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रियूज द कोड फंक्शनैलिटी एंड फास्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइम। यानी जो इनहेरिटेंस होता है वो प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी को, जिसकी मदद से हम कोड को रियूज कर सकें और साथ ही साथ उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इम्प्लीमेंटेशन टाइम जो हो सके उसको बढ़ा सकें, इसके लिए बेसिकली इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन क्रिएटिंग क्लास, यानी जब हम क्लास को क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस ऑफ राइटिंग कंप्लीटली न्यू डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, द प्रोग्रामर कैन डेजिग्नेट दैट द न्यू क्लास वुड इनहेरिट द मेंबर ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। तो उस कंडीशन में जो प्रोग्रामर होते हैं वो न्यू क्लास को क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। क्योंकि इनहेरिट का मतलब ही होता है एक क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड एज द बेस क्लास। यानी जो क्लास एग्जिस्ट रहेगा उसके अंदर उसको हम क्या कहेंगे, बेस क्लास कहेंगे। और जो न्यू क्लास होगा वो किस तरह से रिफर्ड होगा, एज अ ड्राइव क्लास उसे हम कहेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट्स द इज अ रिलेशनशिप। यानी जो इनहेरिटेंस होता है वो इज अ रिलेशनशिप को प्रोवाइड करता है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनहेरिटेंस किस प्रकार का रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, तो ये इज अ रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो मैमल इज एनिमल, यहाँ पे इज अ रिलेशनशिप है, डॉग इज अ मैमल एंड हेंस डॉग इज हेंस डॉग इज एनिमल एज वेल एज सो ऑन। ओके, यानी सारे फंडामेंटल से दूसरे से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे टाइप आता है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन ड्राइविंग अ क्लास फ्रॉम अ बेस क्लास, यानी जब हम क्लास को ड्राइव करते हैं एक बेस क्लास से, तो हमें क्या मिलता है, द बेस क्लास में बी इनहेरिट फ्रॉम द पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस। तो जो बेस क्लास होता है उनको हम इनहेरिट करते हैं किसकी मदद से, जो पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस होता है उसके मदद से। यानी ये तीन प्रकार के इनहेरिटेंस आपके पढ़ने हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि वी हार्डली यूज प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस। यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइवेट और पब्लिक ही यूज होता है, लेकिन ज्यादातर इनकेस पब्लिक इनहेरिटेंस ही यूज किया जाता है, क्योंकि हार्डली केसेस में प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि ये तीनों है, तीनों के बारे में बताया गया है। सबसे पहला आपका है पब्लिक इनहेरिटेंस। तो इसमें कह रहा है कि व्हेन ड्राइविंग अ क्लास फ्रॉम अ पब्लिक क्लास, यानी जब क्लास ड्राइव होगा किससे, एक पब्लिक क्लास से, तो पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम्स पब्लिक मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास। तो उस कंडीशन में जो पब्लिक मेंबर होगा बेस क्लास का वो क्या बन जाएगा, पब्लिक मेंबर बनेगा उस ड्राइव क्लास का। एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम्स द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास। तो प्रोटेक्टेड मेंबर जो होगा, जो बनेगा बेस क्लास का, वो क्या बन जाएगा, वो प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाएगा जिसका ड्राइव क्लास का। अगला पॉइंट कह रहा है कि द बेस क्लास प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर एक्सेसिबल डायरेक्टली फ्रॉम अ ड्राइव क्लास। यानी जो बेस क्लास होता है, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, वो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते ड्राइव क्लास से, लेकिन बट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू द कॉल्स टू द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास। तो उस कंडीशन में हम किससे उसमें कॉल कर सकते हैं, पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो मेंबर होते हैं बेस क्लास के, उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में क्या होता है, इसमें कह रहा है कि व्हेन ड्राइविंग फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड बेस क्लास, यानी जब हम प्रोटेक्टेड बेस क्लास के ड्राइविंग को अप्लाई करेंगे, तो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम्स द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास। ओके, और लास्ट आपका प्राइवेट इनहेरिटेंस। तो इसमें कह रहा है कि व्हेन ड्राइविंग फ्रॉम
प्राइवेट बेस क्लास पब्लिक एंड प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम्स द प्राइवेट मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास। यानी जब हम क्या करेंगे, प्राइवेट क्लास से किसी भी बेस क्लास को इनहेरिट करेंगे, तो उस कंडीशन में जो आपका प्रोडक्टेड बेस क्लास होगा वो क्या होगा, प्राइवेट मेंबर और ड्राइव क्लास में क्या होगा, बदल जाएगा। ओके, तो आज की